हाय हेलो नमस्ते गाइस, देखो सुबह में इतना अच्छा है घूमने में, इस तरह से चलने में। और आप लोग को कैसा लगता है सुबह सुबह चलने में, मॉर्निंग वॉक करने में? अच्छे है ना। मॉर्निंग वॉक मैं कर रहा हूँ 8:30 को, ठीक है ना। और आप लोग कितने मज़े करते हैं और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं बाहर से वापस आ गया, अभी बाहर में जाके मॉर्निंग वॉक किया। जब मॉर्निंग वॉक करते समय मैंने उस टाइम शूट नहीं किया, और फिर भी अभी मैं बना रहा हूँ मॉर्निंग वॉक। हर सुबह को थोड़ा थोड़ा सा करना ही चाहिए, क्योंकि अपने बदन को स्ट्रांग करना है ना, बॉडी बिल्डर बनना है। मजाक कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डर कौन बनता है चल चल के, है कि नहीं। डंबल उठाना चाहिए और जिम्स में जाना चाहिए। अगर वीडियो अगर बॉडी बनाना है तो हमेशा जिम्स ही करना चाहिए, उसके अलावा तो बॉडी तो आएगा ही नहीं। बॉडी बिल्डर बनने के लिए तो जिम से सबसे ज़्यादा अच्छा। और मैं तो बस शरीर में कभी थकान होता है, ज़्यादा चलती है तो बहुत दिन हुआ है मैंने ज़्यादा वॉक नहीं किया, मतलब ज़्यादा मैंने चला नहीं है। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा आज से चलना शुरू कर दूँ, ये मेरा माइंड में आया तो मैंने चलना शुरू किया। तो हर सुबह मैं मॉर्निंग वॉक करने वाला हूँ, और आप लोग भी कर लेना। मॉर्निंग वॉक करने में अपना सेहत के लिए अच्छा है, अपना शरीर के लिए, अपना बॉडी के लिए। अगर हम लोग ज़्यादा मॉर्निंग वॉक नहीं किया तो कहीं पर भी थोड़ा सा भी हमारा बदन में कुछ हो सकता है, मतलब थोड़ा सा आप गिरने के बाद भी आपको ज़्यादा चोट हो सकता है, आपका हड्डियाँ टूट सकता है और ज़्यादा बॉडी पेन हो सकता है। तो थोड़ा चलने से हमारा शरीर सही रहता है, किसी के साथ थोड़ा सा भी टकराव टेंशन नहीं, क्योंकि हमेशा हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं ना हाथ पैर, इसलिए। तो दोस्तों आज बाहर जाके तो वीडियो नहीं शूट किया, और मैं शूट करने वाला हूँ आप सभी के लिए बहुत अच्छा वीडियो बहुत जगह में, जैसे कि बाज़ार वगैरह में दिखाने के लिए रेडी हूँ अभी। और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने बहुत दिनों के बाद अभी वीडियो बना पा रहा हूँ, और मेरा प्रॉब्लम था, इसलिए मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके लिए आप सभी को सॉरी। तो मैं आज ही से मैंने फिर स्टार्ट किया है, हर दिन एक वीडियो आप लोग को मिलेगा, आप लोग देखते रहना, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, बाय।